कल हमने क्लास थर्ड में साइंस में सारी लेसन सेकंड की एक्टिविटी कर ली थी। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? एक्टिविटी याद रखना, एक्टिविटी कल जो सारी हो गई थी, आज उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे लेसन सेकंड के क्लास थर्ड साइंस में। तो देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हाउ डू ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड। ग्रीन प्लांट्स का मतलब देखना, ग्रीन प्लांट्स का मतलब होता है हरे पौधे, ठीक है? ग्रीन प्लांट्स मतलब होता है हरे पौधे। मेक मतलब बनाना, फूड मतलब भोजन। जो हरे हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो आंसर है इसका, प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर वन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। जो हरे पौधे होते हैं उनमें एबिलिटी मतलब कि काबिलियत और क्षमता, ठीक है? यानी कि जो हरे पौधे होते हैं उनमें ये क्षमता होती है, ये काबिलियत होती है कि वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ, यानी कि किसकी सहायता लेते हैं अपना भोजन बनाने में? एयर हवा, वाटर का मीन्स पानी, सनलाइट मीन्स सूर्य का प्रकाश। जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसमें किसकी मदद लेते हैं? हवा की, पानी की और सूर्य के प्रकाश की, यानी कि एयर वाटर एंड सनलाइट। अपना क्वेश्चन सेकंड आता है, हाउ डू एनिमल गेट देयर फूड। अब पौधों का तो पता चल गया कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, अब जानवर अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, क्या करते हैं भोजन के लिए, ठीक है? आंसर है, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर फूड। अब जानवर क्या करते हैं, बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो पौधों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है? या पौधे खाते हैं, घास खाते हैं, और बहुत सारे जानवर क्या होते हैं, दूसरे एनिमल्स पर निर्भर रहते हैं, ठीक है? यानी कि जानवर जो होते हैं शाकाहारी जानवर जो होते हैं वो प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं वो काय पे, दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, हाउ डू सेंस ऑर्गन हेल्प एनिमल। ठीक है, जो सेंस ऑर्गन होता है वो जानवर की मदद कैसे करता है? सेंस ऑर्गन का मतलब अपने सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? आईज, नोज, ईयर्स, जिनसे हम कुछ भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो इसका आंसर है, देखो क्वेश्चन सुन लेना कि सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो जानवरों की मदद कैसे करते हैं। तो आंसर है, सेंस ऑर्गन्स हेल्प देम टू फील एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो जानवरों की मदद कैसे करते हैं? फील करने में, कुछ भी महसूस करने में, कुछ भी प्रतिक्रिया देने में, ठीक है? या जानवरों के आसपास जो कुछ भी घटना घट रही है या कुछ भी बदल रहा है वो सब महसूस करने में जो सेंस ऑर्गन है वो उनकी मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस। जो पौधे होते हैं फिर से कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं या फिर से कैसे उनका उत्पादन होता है? तो आंसर है अपना, प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, स्टेम्स, रूट्स, लीव्स। देखिए, रिप्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पाद या उत्पादन, सीड्स का मतलब होता है बीज, सीड्स का मतलब होता है बीज, या देखते हैं सीड्स मतलब होता है बीज, ठीक है? स्टेम्स का मतलब होता है तना, रूट्स मतलब जड़े, और लीव मतलब पत्तियां। तो अपना याद रखना कि जो पौधे होते हैं वो फिर से नए पौधों का उत्पादन कैसे करते हैं? कुछ पौधे जो होते हैं वो बीजों के द्वारा करते हैं, कुछ पौधे जो होते हैं फिर से नए पौधों को कैसे जन्म देते हैं? तने के द्वारा, जैसे कि रोज का जो होता है उसका क्या करते हैं, स्टेम को कट करते हैं, फिर उसके द्वारा नया पौधा उगता है। कुछ पौधे रूट्स के द्वारा, ठीक है, कुछ पौधे पत्तियों के द्वारा नए पौधे को जन्म देते हैं, ठीक। तो ये अपने क्लास थर्ड में जो है क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो चुके हैं, इसी के साथ अपना लेसन सेकंड कंप्लीट होता है। होमवर्क याद रखना, अपना लेसन फर्स्ट, लेसन सेकंड थर्ड कॉपी में कंप्लीट होने चाहिए, और लेसन फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, लेसन फर्स्ट के छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है जितने भी, ये सारे लर्न कर लेना।
याद से। अब अपन जो है नेक्स्ट डे कल से लेसन थर्ड स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए।